आप जो ये च्यवनप्राश देख रहे हैं, ये च्यवनप्राश ऐसे टनों की मात्रा में हमने अपने हाथों से बनाया है, सारे देश को खिलाया है। और इस तरह से ये आंवले की पिष्टी गाय के घी में भून करके और च्यवनप्राश ये तैयार किया जाता है, अलग अलग जड़ी बूटियों में चाशनी बना करके और उसमें आंवला मिला करके फिर प्रक्षेप, इसके अंदर सारी जड़ी बूटियाँ और केसर का पाउडर, एक केसर का एक बिना केसर के, ऐसे च्यवनप्राश तैयार होता है। ये हाथ से घुटाई करते थे पहले, ऐसे हाथ से ही च्यवनप्राश पकाते थे, आंवले की पिष्टी बना करके उसको इस तरह से घुटाई करते थे जब तक ये घी ना छोड़ दे। इसके अंदर थोड़ा गाय का घी डालो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐसे ये गाय का घी डाल करके और इसके अंदर ये पिष्टी पकती है। ये उसका तौर तरीका होता है, गाय के घी में आंवले की पिष्टी ऐसे धीरे धीरे मंद मंद आंच पर पकाते हैं। ये पिष्टी जब बनाते हैं तो फिर बहुत बड़ी मात्रा में पिष्टी तैयार करते हैं, ऐसे टनों की मात्रा में आंवले की पिष्टी तैयार होती है। हजारों ट्रक यहाँ पर आंवला आता है, ये तो प्रतीक के तौर पर हमने थोड़ा सा रखा हुआ है। ऐसे आंवले की पिष्टी और फिर ये सल्फर फ्री शुगर है, ये आंवला और उससे फिर ये तैयार होता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का आधा किलो का भी पैक आता है, एक किलो का भी पैक आता है और ये च्यवनप्राश शुगर फ्री भी आता है। ये शुगर फ्री च्यवनप्राश भी आपको उपलब्ध करा दिया, डायबिटीज़ वालों की बहुत डिमांड थी। और इस बार च्यवनप्राश के साथ आपको हनी भी दे रहे हैं, क्योंकि हनी के नाम पर भी देश को बहुत ठगा गया। तो ये हनी, ये च्यवनप्राश आप कोई घर में बनाना चाहे तो हमने उसकी घर में भी रेसिपी बताई है। अब सब घर में बनाना नहीं चाहते च्यवनप्राश का क्वाथ, नहीं तो 10 मूल क्वाथ में ही चाशनी बना करके उसमें आंवले की पिष्टी पका करके मिला करके प्रक्षेप द्रव्य मिला करके, ऐसे मैंने देखा गुजरात में काफ़ी लोग बनाते हैं। चलो पूरा 100% इफेक्टिव ना हो तो 25-50% तक इफेक्टिव च्यवनप्राश आप अपने घर में बना सकते हो। चाशनी बनाई, पिष्टी बनाई, चाशनी के अंदर पिष्टी को डाला, ऊपर से प्रक्षेप में आप शतावर, दालचीनी और बादाम आदि, केसर, ये सब चीज़ें मिला करके आप अपने घर के अंदर भी च्यवनप्राश बना सकते हो। ये च्यवनप्राश का जो ट्रेडिशनल तौर तरीका था वो मैंने बताया।